नमस्कार बंधुगण, पंचायत राज एडबल सिविल रो टॉप 10 क्वेश्चन रो डे 23। तो चलंतु आज रो क्वेश्चन सीरीज आरंभ करिबा। तो क्वेश्चन नंबर 1 होची आपण मानन को पई, व्हाट आर लॉ ऑफ फोर्स यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो आंसर होची पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्राइग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट होचे आपण मानको पई, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ जेड एंड रिलेशनशिप आई रेक्टेंगुलर स्क्वायर एंड सर्कुलर सेक्शन। तो यार आंसर होचे आपणकर, द सेक्शन मॉडुलस रिप्रेजेंट्स द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बीम। तो जेतेला आमे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करिथाउ तार फॉर्मूला होची एम इक्वल टू सिग्मा मैक्स इनटू जेड, जेड होचे आमर सेक्शन मॉडुलस और सीमा पास हो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल। इल्ड स्ट्रेंथ पे काढ़ी था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तार फॉर्मूला हो सीमा वाई इंटू जेड। आम जदि सेक्शन मॉडुलस रिलेशनशिप देखा तो आपणकर सेक्शन मॉडुलस ऑफ आई सेक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू रेक्टेंगुलर सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन होता है। आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन हो स्ट्रक्चरल एनालिसिस रु शो द आईएलडी डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी। जितेबाला आम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करवा सिंपल सपोर्ट बीम बाय हेल्प ऑफ आईएलडी, तो आपणकर डायग्राम ये ट्रायंगुलर शेप रो होइथिबो, जोठी आपणकर लोड ऐड करिवो सेठी आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू फाइंड पाई थाउ। से बडा आपण नेक्स्ट क्वेश्चन होची कंक्रीट स्ट्रक्चर रु आपणकर अल्टीमेट लोड वैल्यू शॉर्ट कॉलम नॉर्मल एनफोर्समेंट पई और हेलिकल एनफोर्समेंट पई केता आसतो देखिबा। तो नॉर्मल एनफोर्समेंट पई आपणकर पीयू रो वैल्यू हबो 0.4 एफसीके इनटू एससी प्लस 0.67 एफ वाई एससी। से बड़ा आपन को हेलिकल एनफोर्समेंट पई पीयू इक्वल टू 1.05 इंटू 0.4 एफ सी के एससी प्लस 0.67 एफ वाई एससी नहीं था। से बड़ा आपन को नेक्स्ट क्वेश्चन हो स्टील स्ट्रक्चर कोलाप्स लोड वैल्यू आपन को डिफरेंट बीम पई आसंतु देखिबा। जेतेला आपन को गोटे फिक्स और गोटे हिंज थी यूडीएल एड कर लेंथ एल थी तार कोलाप्स लोड वैल्यू आपन 11.656 बाय एल स्क्वायर इंटू एमपी हेबो। जेतेले आपन फिक्स एंड दी साइड रे थी सेंटर लोड डब्ल्यू एड कर आपन कोलाप्स लोड वैल्यू 8 एमपी बाय एल हेबो। जेतेले आपन दी साइड रे फिक्स एंड फुट थी एवं डिस्टेंस ए रे लोड डब्ल्यू एड कर तार कोलाप्स लोड वैल्यू आपणकर 2 इंटु एल इंटु एमपी डिवाइडेड बाय ए बी हेबो। एमपी आपणकर प्लास्टिक मोमेंट ऑफ द बीम सेक्शन। से भाई आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची फ्लूइड मेकानिक्स रु स्ट्रीम लाइन फंक्शन कौन। यहाँ आम साय दर्शाई था जितने भट्टी भी कंपोनेंट पाई चेक करवा फॉर्मूला एथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पाई, तो डेल साई बाय डेल एक्स हम जितने वाई कंपोनेंट पाई हमें चेक करवा यू इक्वल टू माइनस डेल साई बाय डेल वाई हुए। आमर साई के एक्जिस्ट कर जितने आप कंटिन्यूटी इक्वेशन एक्जिस्ट कर फ्लो कैन भी रोटेसनाल रोटेसनाल होमर साई लापसा सिक्वेसन को सैटिस्फाई करेंगे ता इरोटेसनाल फ्लो पाई यह सैटिस्फाई करें। आम जितेबाड़े डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ पाई चेक करते आम डिफरेंस बिटवीन टू साई कंपोनेंट को नहीं कैलकुलेशन करी था। से बड़ा आपन को नेक्स्ट क्वेश्चन होची जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग रु व्हाट इज ए पिट सोइल एंड मॉक सोइल आसंतु देखिबा। तो पिट सोइल होची आपन को हाईली ऑर्गेनिक सोइल कंटेन वेजिटेटिव मैटर एवं यार कलर ब्राउन और ब्लैक कलर होता है। यह आमर हाईली फाइबर एंड हाईली कंप्रेसिबल नेचर होता है। नेक्स्ट होची आपन को मॉक सोइल, मॉक सोइल होची आपन को मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल जहाँ आम डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर द्वारा होता है। यह फेरी सॉफ्ट एवं ब्लैक कलर होता है। से भाई आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची इरिगेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट होची आपण इरिगेशन व्हाट इज इरिगेशन कलवर्ट एंड बॉक्स कलवर्ट। तो इरिगेशन कलवर्ट होची आपणकर हुएन द विड्थ ऑफ ड्रेन 2.5 रु 16 मीटर होइथिबो। स्मॉल कलवर्ट्स आर प्रोवाइडेड फॉर ए ड्रेन ओवर व्हिच कैनाल इज पास्ड। कैनाल पास कला समय किसी ऑब्स्ट्रक्शन आसबन से आम इरिगेशन कलवर्ट प्रोवाइड करता। बॉक्स कलवर्ट होती आपर जिते हुए ना विथ ऑफ ड्रेन इज स्मॉल दैट इज अप टू 3 मीटर ड्रेन में भी पास थ्रो रेक्टांगुलर चैनल इन ए कलवर्ट ताको आम बॉक्स कलवर्ट कही था। इट इज अल्सो
कॉल्ड स्लाब टाइप एक्वाडक्ट। से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ सर्भे रु व्हाट इज ए टाकोमेट्री। तो यह गोटे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ सर्वे जो थे आम होराइजल डिस्टेंस एंड एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड विथ द हेल्प ऑफ टाकोमेट्री। ताको टाकोमेट्री कही था टाकोमेट्री पर आम एक्सटर्नल फोकसिंग करता विथ द हेल्प ऑफ थियोडाइट हैविंग ए स्टाडिया क्रॉस सेक्शन। तो यह आम स्टाडिया क्रॉस सेक्शन रही था। नेक्स्ट हूँ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ट्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स एंड व्हाट इज रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स आसत देखा। तो ट्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आम जनरल तीन प्रकार हो था। तो रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन आसत देखा। तो रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स आम जहाँ फिजिकल साइकोलॉजिकल एवं मेंटल एंड विजन कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाई थाए ताको आम रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स कही था। विजन आम आसत देखा विजन कौन। तो विजन हूँ आप प्रकार नॉर्मल आउ अबनॉर्मल आम सर्पर विजन एंगल यहाँ तीन डिग्री होता है। सैटिस्फैक्टरी विजन एंगल आमर एंगल वैल्यू 10-20 डिग्री रही है। आज टॉप 10 क्वेश्चन पंचायत राज एडब्ल्यू सी बिल ये समाप्त होती। आशा करूँ आज क्वेश्चन सीरीज आपको भल लगे भल लगे मो चैनल जॉब कान आशा को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को क्लिक करूँ। तो डेली आप मो वीडियो नोटिफिकेशन पाइप एवं आपण बंधु मानक सहित शेयर करूँ एवं जहाँ को लेक्चर पीडीएफ नोट दरकार से मत व्हाट्सअप करूँ तो मुझे पीडीएफ नोट प्रोवाइड करी जहाँ एग्जाम डेफिनेटली हेल्प कर। धन्यवाद। जय हिंद।